कृष्णा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ। हे अम्बे माँ, पैसे तो है बैग में, पर पता नहीं ये लुटेरे हमारे पीछे कहाँ से पड़ गए थे। पीछे नहीं पड़े थे बिल्लिया, बल्कि तुमने उन्हें निमंत्रण दिया था। निमंत्रण? जी जी कृष्णा जी, हम गुंडों को निमंत्रण काहे देंगे? हम तो अलट पलट चलट करके छुप छुपा कर ये पैसे आपके पास लेकर आ रहे थे। स्कूटी में? अरे 5 लाख रुपए स्कूटी में टांग करके कौन लेकर के आता है? पर कृष्णा जी, उनको थोड़ी ना पता होगा कि हमारे बैग में 5 लाख रुपए है। अरे बिंदिया, सड़क पर खड़े होकर के चोर उचक्के ऐसे ही ट्राई मारते रहते हैं, और जब तुम्हारे जैसे समझदार ज्ञानी लोग ना ऐसी बेवकूफी करते हैं तो उन लोगों को गोल्डन चांस मिल जाता है। पर हमें कहाँ पता था कृष्णा जी? हाँ, वो तुम्हें मैसेज भेज करके आएंगे ना कि बिंदिया जी, आज हम शहीद चौक पर आपके पैसे लूटने वाले हैं, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, धन्यवाद, है ना? गलती हो गई हमसे कृष्णा जी। गलती नहीं कहते हैं बिंदिया इसे, बेवकूफी कहते हैं। अरे इतनी बड़ी रकम लेकर के तुम आ रही थी तो कम से कम कार में तो आ सकती थी। चलो तुम्हें नहीं लेकर के आना था तो पायल को कह देती, कम से कम वो तुम्हारी तरह बेवकूफी तो नहीं करती क्या तुम भी? सॉरी कृष्णा जी। इट्स ओके, पर अगली बार अपनी बसंती भगाने से पहले सोच समझ लेना। बिल्कुल, जरूर सोचेंगे, पक्का प्रॉमिस। थैंक गॉड कि पैसे सेफ है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है, चलो बैंडेज लगा देते हैं, आओ। नहीं नहीं कृष्णा जी, हम ठीक हैं। पहले आप आपका काम निपटा लीजिए। अरे उनका अभी टी ब्रेक हुआ है, 10 मिनट का वक्त लगेगा, तब तक तुम्हारा फर्स्ट एड हो जाएगा, आ जाओ। चलो बैठो। तुम बैठो, हम स्कूटी लेकर के आते हैं।